सिनेमा के बहुत ही मशहूर राकेश मिश्रा जी का गाना बहुत ही समझे कि 251 मिलियन डॉलर्स क्रॉस करने के व्यूअर्स में यहाँ पे दिल से बहुत बहुत आभार प्रणाम। और जिन्होंने ये सफल किया है इस गाने को, जिन्होंने इस गाने को हिट किया है, इस गाने को न तो हमने हिट किया है और ना ही हमारे साथ बैठे हैं हमारे म्यूजिक वाइड चैनल के निर्माता हमारे बड़े भैया नीरज सिंह जी, न इन्होंने किया है। हम दोनों ने एक छोटा सा काम किया, हमने गाया, मेहनत किया, इन्होंने एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे रिलीज किया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही कि पूरे भोजपुरी के समाज में जिस तरह से आज आप चाहे हम डायरेक्ट बोले कि हिंदुस्तान के चाहे इस कोने जाइए चाहे उस कोने जाइए, चाहे ईस्ट में जाइए चाहे वेस्ट जाइए, राजा जाइए ना बहरिया इज द बेस्ट जाइए, तो मेरे गाने का हाल यही है कि जहाँ भी न्यूज मिलता है कि भाई जिधर जाइए उधर ये गाना सुनाई दे रहा है, तो वो सुनने वाले, मुझे देखने वाले, इंटरटेन करने वाले सभी दर्शक बंधु को भले हमारा गाना भोजपुरी है, लेकिन आज YouTube आने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कहीं हमारे भाषा से नहीं भी हैं वो भी एक बार देखते हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोल रहा हूँ जिन्होंने इस गाने को देखा है और बार बार देखा है, हजार बार देखा है। और आज आप सबके आशीर्वाद से म्यूजिक वाइड चैनल, जो कि कहने को तो एक नया चैनल था, लेकिन इस कंपनी का सौभाग्य देखिए कि हिंदुस्तान का टॉप 3 गानों में शामिल हुआ आज से कुछ दिन पहले। कई दिनों, कई महीनों तक रहे हैं, लगातार कई महीनों तक रहा, और नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली भी आप देखे होंगे कि ये पूरा वर्ल्ड में 8वें, 11वें, 15वें ऐसे अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में आप 100 गाने तो इसका सर, इसका श्रेय किसे जा रहा है सर? ऑब्वियसली ये श्रेय तो जनता को जाएगा कि अगर राकेश जी इतना बढ़िया गाए हैं और उसको दर्शक ने पसंद किया है तो क्रेडिट तो उनको ही जाएगा, कहने की बात नहीं सर। तो यहाँ बात आ रही है सर, भोजपुरी जगत में आपको सर कहा गया कि भोजपुरी के मसीहा, जो भी गाना आप गाते हैं दिल से गाते हैं, मन से गाते हैं, इस पे क्या कहना है सर? देखिए सर, ये आपका आशीर्वाद है। मैं आपको पहले ही बोला, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारी मेहनत को सबके बीच में लाती है, और मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपको पता है इस गाने को सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट किसी ने किया है तो वो हमारे जितने डिजिटल के छोटे छोटे चैनल मीडिया है ना भाई लोग, सबने किया है। हर प्लेटफॉर्म पे गाने को बनाना, रील में बनाना, आज तक जानते होंगे इंस्टाग्राम रील बनता है, ये बनता है, डांस बनता है। तो मैं हमेशा इसलिए थैंक यू बोलता हूँ, जब ये गाना 100 मिलियन होता फिर भी मैंने सेम बात बोला था, आज 200 हो गया, 251 हो गया हर फॉर्मेट में, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गाता हूँ, ठीक है वो मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, आप उसे बहुत अच्छा सुनना जानते हैं, आप समझना जानते हैं, और जब आप मुझे ये ताकत देते हैं कि वेल डन, तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा क्या करूँ। तो सर, जनता जनार्दन को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? सर, जनता जनार्दन को मैं मैसेज कुछ नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये बताना जरूर चाहता हूँ कि आगे आपका कौन सा गाना आने वाला है सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी हमारे म्यूजिक वाइड चैनल से एक ऐसा गाना आने जा रहा है जो शायद हिंदुस्तान के हर आदमी को दिल को छू जाएगा, बस इतना ही इशारा दे दिया। एक ऐसा गाना लेके आ रहा हूं जो न किसी ने सोचा होगा, न किसी ने कल्पना की होगी, और वो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को अगर नहीं छू गया तो आप बोलिएगा, और स्पेशली आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार गाना जरूर सुनिए, वो गाना रिलीज होगा और वो आफ्टर 2-3-4 डेज के अंदर रिलीज होगा, तैयारी हो चुकी है। उसे कुछ सुर बता सकते हैं? कुछ सुर सर, देखिए मैंने आपको एक लाइन बोला, न किसी ने सोचा होगा, न किसी ने उम्मीद किया होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारी भोजपुरी गीत संगीत ज्यादातर किस चीज पे अटकी रहती है, तो नॉट ओनली इन भोजपुरी, हाँ नॉट ओनली भोजपुरी, उस गाने को जब आप तो सुनेंगे ना सर, इशारा है, मुझे नहीं पता है कि आप मेरे लिए क्या कहेंगे, लेकिन उस गाने को सुनने के बाद आपके मुंह से जरूर निकलेगा कि राकेश मिश्रा एक दिन दुआ तुम्हारी ये हो या मेरी उम्र तुमको लग जाए, तुम जियो, इतना हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति उस गाने को सुनकर बोलेगा, इतना मुझे गर्व है। मुझे ये नहीं पता है वो गाना पहले दिन क्या होगा, नहीं उससे मतलब नहीं, मुझे गाया हूँ, दिल से गाया हूँ, और जो गाया हूँ वो हर हिंदुस्तानी को एक बार तो सुनने के बाद दिल से लगेगा कि हाँ
कुछ तो है और गर्व होगा। हीटेड सॉन्ग ऑफ दिस ईयर, ये कैसे बता, देखिए खाना ये आपको खाना नहीं सर, ठीक है यही बताइए कि यह जो ए राजा जाए ना बहरिया, इसमें से कोई गाना को आप गा करके सर छोटा सा एक दो चैनल के माध्यम से बता दे सर। हाँ कोई गाना सुना तो इस गाने, इस गाने का एक लाइन ही बहुत अच्छा हिट था, हर की टूटा बदन पोरे पो राजा तनी जाए ना बहरिया, कि टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाए ना बहरिया, कि हमार नया नया गावना नया तकिया बिछावना, नया रही एनु गईनी टूट बनावला खेलावना। इतना मिराजी सिद्धा ना कि सबको इसलिए बहुत पसंद आया। अभी आपको एक चीज और बता दें कि ये गाना अभी अचानक व्यूज तो कंटिन्यू, पिछले 3 महीने से ये गाना अच्छे व्यूज के साथ लोगों को पसंद आ रहा है, और इनफैक्ट अभी 2-4-5 दिनों से ये फिर से उसी रफ्तार में, जो बीच में एक गैप आता है व्यूअर्स के मामले में, तो आज ये 25 से 30 लाख बार पर डे देखा जा रहा है इस गाने को। तो ये अपने आप में एक फिर बहुत बड़े रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है, और ये अपने आप में कुछ कहता है ये चीज़ की पब्लिक इस लेवल तक इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 25-30 लाख बार अगर फिर से ये 2-4-5 दिनों से पिछले चल जा रहा है गाना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए जहाँ तक हमको पता है कि हमारे खाने गीत संगीत के माध्यम से लोग बोलते हैं कि अच्छा ये आ गया, इसका 10 दिन हो गया, अच्छा ठीक है, जमाना आज 2020 का है, सब कुछ आया गया, लेकिन हम क्यों नहीं दर्शकों को थैंक यू बोले? जहां आप फैसला 10 दिनों में करते हैं आज डेट में, वहां 3 महीने में भी उनका दिल नहीं भर रहा, और आज भी बोल रहे हैं कि भैया राजा जाई ना बहरिया। आज भी आप 30 लाख लोग अगर रोज सर्च कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, उनको चीजें अच्छी लग रही है। और उसी का देन है कि मैं स्पेशली थैंक यू बोलूंगा नीरज भैया को, नीरज सिंह जी को, जो म्यूजिक वाइड चैनल के हमारे ऑनर हैं। और आपको बता दें कि ये कंपनी तो अभी ऑनर हुए हैं, ये ऑलरेडी भोजपुरी के तब से ऑनर हैं, पिछले 10-15 सालों से भोजपुरी भाषा को इन्होंने एक मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया है। चाहे आप अपने भोजपुरी के जितने भी बड़े स्टार का नाम ले लीजिए, वो नाम स्टार का होगा लेकिन उसके पीछे काम इन्हीं का होता है। इनका एक फ्यूचर विज के नाम से, इस म्यूजिक वाइड के पहले फ्यूचर विज आप जानते भी होंगे, फ्यूचर विज के नाम से एक इवेंट चलता है जिसमें आप हिंदी बॉलीवुड मतलब जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बड़े 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 ऑर्गेनाइज जो इन्होंने देखा है, जो शो कराया है, तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी भोजपुरी का सेवा पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं सर, बट बैक कैमरा, ये फ्रंट कैमरा नहीं करते हैं। अगर इनके मेहनत से 2000 परिवार का चूल्हा जल रहा है, यहाँ पे 200 स्टाफ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको इनको थैंक यू बोलना चाहिए। और आज उसी का कृपा और आशीर्वाद है कि देखिए चैनल भी खोले तो एक मामूली सा कलाकार राकेश मिश्रा जैसा कलाकार भी बेचारा गाना गा लिया, गाना निकल गया। हम तो मामले ही गाएंगे अपने को, हम तो कभी स्टार रहे नहीं। कला को कहीं पे किसी के मोहताज नहीं होना पड़ता है, आपके अंदर कला है, टैलेंट है, देर ही सही। तो सर तो पब्लिक बिहार भोजपुरिया समाज के लिए और पटना जो भोजपुरिया समाज है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पूरा भोजपुरिया समाज के, बिहार भोजपुरिया समाज के, पटना भोजपुरिया समाज के, समस्त भोजपुरिया समाज के 2 मैसेज। अगर कबहू रुआ लागे कि हमारा सब कोनो गलती हो ही गई बा, कहें से कि इंसान ही भगवान कही है, तो हम मिली चाहे ना मिली, हमारे फोटो देख के हमारे कनवे पकड़ के दूध तबड़ा के मार दे, लेकिन कभी भी हमारा कोनो बात के दिल पर मतलब सुबह एगो राउर लैका है। और बस दिन प्रतिदिन ये आशीर्वाद, ये सेवा का भाव, ये मौका हमें देना मत छोड़िएगा, क्योंकि हम अपना 24 घंटा में 48 घंटे का मेहनत लगा देंगे, लेकिन हम मेहनत करेंगे और दिन रात करेंगे, दिन प्रतिदिन। तो आपका सर ये गाना जो ये राजा जाई ना बहरिया, ये सुपर डुपर हिट चल रहा है पूरा बिहार में मान के चलिए, और पूरे भारत में सर्च हो रहा है, और पूरे भोजपुरिया समाज तो पूरे भारत में का पूरे वर्ल्ड में है, और ये गाना को ज़्यादा मात्रा में सर्च किया जा रहा हो जैसा आपने बोला, और लोग सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट जा रहा है, और इस गाने के लिए थोड़ा सा दो शब्द आप एक मैसेज दे दीजिए। कभी कभी शब्द कम पड़ते हैं बोलने के लिए, भावुक हो जाता है आदमी, इमोशनल, इसलिए कि ये गाना जो है हमें जहाँ तक लगता है कि तमाम जितना भी भोजपुरी गाना आया है उसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है गाना। मुझे
मुझे इतना पता है कि कैलकुलेट तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप आम आवाम और मीडिया होके भी जब आप मुंह से बोल रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कोई बड़ा भाई बोल रहा है। आप कहीं ना कहीं इमोशनल हैं और आप कहीं ना कहीं इस चीज को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आप लोग आशीर्वाद कहीं तो दे रहे हैं और क्या। तो इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद, आप सबका प्यार आशीर्वाद दुलार बना रहे। थैंक यू। राकेश मिश्रा जी ने इतना अच्छा गाना गाया और मैं बताऊं उनका जो गाना जो हिट किया ए राजा जी ना बहरिया, समझिए कि जनता की पुकार के कारण मेरा व्यू ज्यादा से ज्यादा जा रहा, और फिर वह कुछ ही दिन में और कोई नया सॉन्ग लॉन्च करने जा रहा है।